सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू साइबर एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सेवन रवि विश्वकर्मा। सो गाइज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आप किस तरीके से दूसरे यूजर पे आप क्रॉन टैब लगा सकते हो, ठीक है। बट इस वीडियो में हम लोग कुछ और देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे किसी भी फोल्डर को, ठीक है, लाइक अ होम डायरेक्ट्री हो गया, उसको आप टायर फाइल में बैकअप कैसे बना सकते हो, ठीक है। या मैटर नहीं करता कि आपका होम फोल्डर कोई भी फोल्डर हो, ठीक ना, सॉरी, तो कोई भी फोल्डर है तो उसको आप कैसे बैकअप बना सकते हो एज अ टायर फाइल, ठीक है। तो उस चीज़ को आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत बेसिक्स है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो में हम लोग जो करेंगे वो हम लोग SSH के थ्रू करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम लोग एक नॉर्मल जो डायरेक्टरी होगा उसको बैकअप बना के देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्रोन टैब लगाकर ऑटो शेड्यूलिंग करके लिनक्स में बैकअप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको, ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। इससे पहले गाइस जो क्रोन टैब का और भी जो मैंने 3 वीडियो जो अपलोड किए हैं वो लोग नहीं देखे हैं, तो मैं उनसे रिकमेंड करूँगा कि आप जाके देखें ताकि आपको क्रोन टैब होता क्या है वो समझ में आ जाए, क्रोन क्या है, क्रोन टैब क्या है वो समझ में आ जाए, और क्रोन का बेसिक्स इस्तेमाल कैसे करते हैं, बेसिक्स यूज़ कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इस वीडियो पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और सबसे ज़रूरी बात एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं और भी चीज़ें जैसे कहीं ग्रुप में आपका हो गया फेसबुक पेज पे कुछ कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग क्रोन टैब को एडिट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल क्रोन टैब हाइफन ई कमांड का यूज करते हैं, ये तो बेसिक्स पर है। जस्ट चलो अब यहाँ पे हमको सेट करना है, क्रोन टैब लगाना है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं अपने जो डेस्कटॉप पे जितने सारे फोल्डर मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, CD डेस्कटॉप LS, जितने सारे फोल्डर पड़े हुए हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है, इस फोल्डर को एक टायर फाइल के अंदर हम लोग बैकअप बनाएंगे, ठीक ना, और लोकेशन देंगे कि कहाँ पे हमको बैकअप बनाना है, ठीक ना। तो चलो इसको मैं ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल करने वाले हैं हम वो नॉर्मल मिनट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे 18:43 हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट मिनट के लिए यूज करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे 46 ले लेता हूँ ताकि आपको करते करते कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं आवर के लिए, तो आवर के लिए कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग, डेट ऑफ मंथ, तो डेट ऑफ मंथ को मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ डेट ऑफ मंथ मंथ। उसके बाद डेट ऑफ वीक, ठीक है, ये तीनों डिफॉल्ट छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टार कमांड का यूज करेंगे, टार कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो टार कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए जैसा कि आपको पता है कि टार कमांड का लोकेशन हमको देना होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम लोग, तो विच कमांड का यूज करेंगे, विच एंड टार, तो विन एंड विन के अंदर हमारा टार फाइल है, ठीक है, तो अभी इसको यूज करेंगे। तो विन विन टार कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए विन के अंदर टार, ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग हाइफन ZCF फ्लैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब उस लोकेशन को आपको देना होगा जहाँ पे आप अपना बैकअप को स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। तो आप बैकअप को सपोज मान लेते हैं होम डायरेक्टरी में ही करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको होम के होम और साइबर एक्सप्लॉइट जो हमारा होम है, ठीक है, उसको इसके अंदर मैं बैकअप बना लेता हूँ। उसके बाद आपका बैकअप फाइल का नाम क्या होगा, तो माई डेस्कटॉप कर लेता हूँ, माई डेस्क सॉरी डेस्कटॉप डॉट TGH जो हमारा एक्सटेंशन होता है टार्क, ठीक है। अब आपको उस लोकेशन को देना है जिसको आपको बैकअप बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा टर्मिनल पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से CD डेस्कटॉप और PWD कर लेता हूँ। तो इस लोकेशन को हमको पूरा बैकअप बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी किया इस पूरे लोकेशन को, ठीक है, एंड अभी यूज करूँगा इस वाले टर्मिनल पे, ठीक है, तो पेस्ट किया, हमारा 46 हो चुका है। अभी मैं कंट्रोल S ओवर राइट किया और कंट्रोल X से बाहर
सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्रोन टैब जो है इंस्टॉल हो चुका है, न्यू क्रोन टैब। अब हमको देखना है कि हमारा बैकअप बना कि नहीं, और बैकअप हमारा जाएगा कहाँ पे, हमको होम डायरेक्टरी के ही अंदर जाएगा, क्योंकि क्रोन टैब हम देख लेते हैं एलएस करके यहाँ पे बैकअप बना कि नहीं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे माई डेस्कटॉप डॉट टी जी एच करके हमारा फाइल बन चुका है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली डायरेक्टरी को विजिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो होम के अंदर माई, हाँ माई डेस्कटॉप डॉट टी जी एच, ठीक है। और इसको आर्काइव मैनेजर के अंदर मैं ओपन किया, तो इस तरीके से गाइस देख सकते हैं होम 200 कुछ एमबी का ये बैकअप बना है, ठीक है। साइबर एक्सप्लॉइट, ठीक है, जो एक यूजर है वो उसके अंदर, उसके ऊपर जो डेस्कटॉप है वो डेस्कटॉप बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे तो इस तरीके से, जैसा कि मैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोन टैब, क्रोन टैब, क्रोन टैब हाइफन एल करके, सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि एग्जांपल में बताया है, तो ये क्या किया है, पूरे होम डायरेक्टरी को बैकअप बनाया है, ठीक ना। होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे सबका बैकअप बनेगा। तो मैं यहाँ पर टारगेट जो किया वो साइबर स्पॉट यूजर और उसके अंदर जो डेस्कटॉप डायरेक्टरी होता है उस डायरेक्टरी को मैंने टारगेट बनाया और उसको बैकअप किया। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्टरी को, किसी भी यूजर को, इस तरीके से आप पूरे लिनक्स मशीन को आप बैकअप बना सकते हैं और किसी लोकेशन पे भेज सकते हैं उस बैकअप को, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग अपना खुद का मशीन पे देखे सेम फोल्डर में, बट यहाँ तक बात नहीं बनती। जो हम लोग सेल स्क्रिप्टिंग के ट्यूटोरियल को, सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक सेल स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, SSH जो हमारा सिक्योर सेल होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बैकअप बना के हमारे दूसरे सिस्टम पे हम लोग SSH के थ्रू लॉग इन करके भिजवाएंगे, ठीक है। सो गाइस इससे पहले, तो जो लोग नहीं पता है SSH के बारे में, तो मैं SSH पहले SSH वाली वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो SSH कैसे कन्फिगर करते हैं एंड देन उस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो में, ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच जो लोग इस चैनल पे टाइम दे रहे हो, सीख रहे हो चीज़ें, तो यार सीख रहे हो, टाइमिंग दे रहे हो, तो चैनल को यार मुझे मोटिवेशन मिले, इसलिए आप चैनल को वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। कहीं से प्रॉब्लम होता है तो आप बता सकते हो हमें, ठीक है। एंड आई थिंक मुझे लगता है टाइमिंग ओके 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो आई थिंक चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।